बच्चों, मैं रश्मि शर्मा, ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी विषय की अध्यापिका डिजिटल लर्निंग के माध्यम से आज आपके बीच हूँ। बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि वर्ण क्या होते हैं। बच्चों, कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें सबसे पहले उस भाषा के मूल ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। यदि हमें ए से जेड तक अल्फाबेट्स या जीरो से नौ तक गिनती ना आए तो हम अंग्रेजी भाषा और गणित विषय नहीं सीख पाएंगे। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण या अक्षर लिखना सीखना होगा। अब हम वर्ण को जानेंगे। वर्ण वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे अ, आ, ई, ई, उ, क, ख। बच्चों, ये वह ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते, इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित का अर्थ होता है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध एक सीरियल ऑर्डर में लिखना, जैसे क, ख, ग, घ। तो क के बाद ख ही आएगा और ख के बाद ग। आप क के बाद घ या ट या व नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही अ के बाद आ, ई, ई। अ के बाद आप री या ओ नहीं लिख सकते हैं। इन्हें आपको वर्णों को एक क्रमबद्ध समूह में लिखना होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। स्वर 11, अ से ओ तक, अयोगवह, अंग और अह। स्पर्श व्यंजन 25, क से म तक। अन्य व्यंजन 2, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह 4। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श 4। ये सब मिलकर जो है हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। अब हम वर्ण के भेद का अध्ययन करेंगे। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलेगी, वे स्वर कहलाएंगे। अर्थात स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। उदाहरण, अ से ओ तक सभी स्वर हैं। स्वर के भेद, स्वर के तीन भेद हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगेगा, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। अगर आप ध्यान देंगे तो अ का उच्चारण करेंगे तो इसमें कम समय लग रहा है, ई, ई के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगा, तो यह ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना दुगने का अर्थ होता है कि ह्रस्व से ज़्यादा समय लगना, डबल समय लगना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे हैं दीर्घ स्वर। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब ह्रस्व में अ का उच्चारण किया था तो बहुत कम समय लगा,
और दीर्घ में हमने आ का उच्चारण किया तो हमारा अधिक समय लग रहा है। ऐसे ही जब हमने ऋस्व में ई का उच्चारण किया तो हमारा कम समय लगा और दीर्घ स्वर में ई का उच्चारण किया तो ऋस्व से दुगना समय लग रहा है। पलुस्वर, पलुस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व से तिगुना समय लगता है, तिगुना, तिगुना का अर्थ होता है तीन गुना, तिगुना समय लगता है उसे पलुस्वर कहते हैं, जैसे ओम। अब हमारा तिगुना समय किससे लगा है? ऋस्व स्वर से। तो पलुस्वर कौन से हुए जिसमें ऋस्व स्वर से तिगुना समय लगे? अब ओम आम का उच्चारण कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो है ऋस्व से दुगना समय लग रहा, तिगुना समय लग रहा है। ऋस्व में बहुत कम समय लगा, दीर्घ में दुगना समय लगा और पलुत में तिगुना समय लगा। धन्यवाद।